हेलो दोस्तों, तो आज हमारे कॉलेज में रहता है होली का फंक्शन, जहां हमको देखने को मिलता है कि यहां रंग फेंक फेंक कर मारे जा रहे हैं। तो हम सोचते हैं क्यों ना रंग लेके इस भीड़ में हम भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन यहां हमको रंग नहीं मिलता है, इसलिए हम बाहर जाके रंग खरीदने का प्लान बनाते हैं। फिर सबको एक एक रंग खरीद लेते हैं। और सुप्रिया जी, अरे पन्नी उल्टी हो गई थी। हाँ, सुप्रिया जी के साथ चल देते हैं होली खेलने। अपने हाथों में 5-5 चुटकी रंग लेके चल देते हैं मिशन की ओर। अब सामने कोई दिख ही नहीं रहा था तो सोचते हैं अपने में ही शुरू किया जाए। लेकिन ये लड़का, पता नहीं इसको क्या हो गया था जो ये कैमरे की ओर बार बार फेंके जा रहा था। यही होता है दोस्तों, भांग से नहीं दरअसल होली के नाम से नशा चढ़ जाता है, और यही हुआ है इनके साथ। अब सामने कोई दिख ही नहीं रहा था इसलिए फोन कर करके अपने अपने दोस्तों को बुलाया जा रहा था। जो हमारे इस फोन वाले षड्यंत्र में फंस जाता उसका तो हाल बुरा होना पक्का रहा। इन लोगों को इतना नशा हो गया था कि रोड में पड़े रंग से भी होली खेलने लगते थे। अब शांति इसलिए हो गई थी क्योंकि इसका पैंट फट गया था, और इसको समझ नहीं आ रहा था कि हंसू कि रोऊं। लेकिन इसको वही वाला फार्मूला सुनाते हैं कि बुरा न मानो होली है। और ये लोग भाई खेलने में इतना मगन हो गए थे कि इनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहां खेल रहे हैं, और जिसका पैंट फट गया था वो तो सदमे में चला गया था। कुछ देर के लिए इधर उधर हिला ही नहीं। इंसान को रंग लगाना तो स्वाभाविक है, लेकिन इन्होंने तो आर्यभट्ट की दीवार पर बनी पेंटिंग को भी लगा डाला, और सामने जिसका भी साफ चेहरा दिख जाता था हम उसके पास ऑटोमेटिक खींचे चले जाते थे और उसको अपने रंगों से 7 रंग का बना देते थे। और इसी के साथ आप सबको हैप्पी होली। धन्यवाद।